हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सपेंशन कुछ एक्सपेंशन लिखवा दिए थे, यानी कि e की पावर x के, e की पावर माइनस एक्स के, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इनके इन सब के जो एक्सपेंशन है, यानी जो प्रसार है इनके, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवा दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सब कुछ याद कर लिए होंगे। तो मैं उन एक्सपेंशन का एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि उन जो एक्सपेंशन थे उनका यूज क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो कि है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसमें जो लिमिट है, यानी कि जो x टेंड्स टू जीरो जो लिमिट दी हुई है, वो अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो 0.0 की आ जाएगी, यानी कि वो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए आप इसमें e की पावर x का एक्सपेंशन करके और उसमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको क्या बताया था, वो था वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ठीक है। ये हमारा ई की पावर एक्स की जगह पे हो गया, यहाँ पे प्लस करके डॉट डॉट ये भी था, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस वन, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, यहाँ पे अपॉन में एक्स भी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा इसमें, यहाँ पे मैं इन सब में से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचा मेरे पास वन प्लस यहाँ पे से, यहाँ पे बचा आपके पास एक्स, क्योंकि मैंने एक्स कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ठीक है। इसी तरीके से आगे अपॉन में है हमारे पास एक्स, और यहाँ पे अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, आगे भी एक्स आएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे भी आएगा, कन्फर्म, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे लेके फिर से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत इजी है ये, देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और आगे भी एक्स आएगा आएगा। वहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आगे का सारा जितना भी पोर्शन है वो सब जीरो हो जाएगा, ओनली बचेगा वन, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, यानी कि वन प्लस जीरो प्लस डॉट डॉट, यानी कि हमारे पास टोटल वन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ। अब आप यहाँ पे एक नॉट की लिखिए, नॉट है इसमें आपका, फर्स्ट है कि एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, सेकेंड है एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट, ठीक है ना। या तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। थर्ड आप लिख लीजिए हमें, आर एच एल डज नॉट एग्जिस्ट या फिर इनफाइनाइट। ये बात आपको अभी समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एल एच एल है हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल एच एल है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। और आर एच एल है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों भी नहीं होगा, यानी कि इन दोनों की कंडीशन ये होगी कि वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा या फिर
इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये कंडीशन है। यानी ये जो एग्जांपल है वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन होगा कि आपको सबसे पहले एल एच एल लेना होगा। इसमें आपसे पूछा है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल एच एल निकालना पड़ेगा और आर एच एल निकालना पड़ेगा। अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो एग्जिस्ट करेगी वैल्यू, यानी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर। अगर वो नॉट इक्वल है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो देखिए देखते हैं एल एच एल और आर एच एल क्या आते हैं। देखिए एल एच एल निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जो एल एच एल होता है वो बताया था मैंने आपको फंक्शन ए माइनस एच, ये मैंने आपको एल एच एल की कंडीशन बताई थी कि नहीं, तो यही कंडीशन इसमें लगेगी। तो देखिए किस तरीके से एल एच एल लेने पर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, यहाँ पे जो ए है ना वो जीरो है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस एच, यानी एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच, ये मोड हो जाएगा अपॉन में जीरो माइनस एच, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस एच इसका मोड अपॉन में माइनस एच, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, ठीक है, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये बच जाएगा माइनस वन, ठीक है ना। अब लिमिट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मतलब इसका आंसर आ गया माइनस वन, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एल एच एल, ठीक है। अब निकालेंगे हम आर एच एल। आर एच एल की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, आर एच एल की कंडीशन बताई थी मैंने फंक्शन ए प्लस एच, ठीक है, ये मैंने आर एच एल की कंडीशन बताई थी, समझ में आ रहा है ना। देखिए आर एच एल लेने पर हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो जीरो प्लस एच, ठीक है ना, ये मोड लगा दिया अपॉन में जीरो प्लस एच, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ओनली एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच, यानी जो ये कंडीशन थी ना वो लिखी है मैंने बस ओनली, ठीक है, यानी कि ए की जगह पे जीरो है हमारे पास, तो बस वही किया मैंने, एक्स की जगह पे पुट किया है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एच अपॉन एच, ये मोड है इधर, तो मोड का इसमें कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये पॉजिटिव पहले से ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन एच, ये कैंसिल होके वन इसका आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे जो एल एच एल है वो आया माइनस वन और आर एच एल है वो आया हमारे पास वन, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन इज नॉट इक्वल वन, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिमिट थी ना वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था ना, तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव फाइव माइनस एक्स अपॉन मोड एक्स माइनस फाइव। इसमें आपको चेक करना है कि जो लिमिट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इसको और यहाँ पे वही एल एच एल और आर एच एल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे एल एच एल ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल यहाँ पे काम आ रहे हैं, मतलब आपको जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले उन लेक्चर को देखिए, तभी आप इस लेक्चर में आइए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो एल एच एल लिया हमने, तो एल एच एल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको कंडीशन मैंने बताई थी लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव फाइव माइनस, अब एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, फाइव माइनस एच, क्या फाइव माइनस एच, ठीक है, फाइव माइनस एच ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, ये इधर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, अपॉन एक्स की जगह पे रखेंगे फाइव माइनस एच माइनस फाइव, ठीक है, और ये मोड, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव, यहाँ पे फाइव माइनस फाइव प्लस एच, ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा फाइव माइनस एच माइनस एच, सॉरी फाइव, ये मोड लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा और इधर भी फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव
एच अपॉन माइनस एच का मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड की वजह से जो ये माइनस एच है वो प्लस एच हो जाएगा, यानी एच अपॉन एच हो जाएगा, तो ये कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वन, जो कि है एल एच एल, ठीक है। अब निकालते हैं हम आर एच एल, आर एच एल आएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, यहाँ पे फाइव माइनस एक्स की जगह पे हम रखेंगे फाइव प्लस एच, ठीक है। आर एच एल में बताया था मैंने ई प्लस एच, यानी फाइव प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा फाइव प्लस एच, और ये ब्रैकेट अपॉन में हो जाएगा हमारे पास फाइव प्लस एच एक्स की जगह पे, ठीक है, और माइनस का फाइव, और ये मोड, ठीक है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू फाइव, फाइव माइनस फाइव माइनस एच, ठीक है, अपॉन फाइव प्लस एच माइनस फाइव, और ये मोड। यहाँ पे देखिए फाइव से फाइव कैंसिल, और यहाँ भी फाइव से फाइव कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव माइनस एच अपॉन एच, ठीक है, और ये मोड। इसमें मोड का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये पॉजिटिव पहले से ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, जो कि हमारा आर एच एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन नॉट इक्वल माइनस वन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल एच एल है वो नॉट इक्वल आर एच एल, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। वैसे मैंने आपको पूरी एक एक चीज़ दिखा, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया, इस वजह से इतना बड़ा हो रहा है, नहीं बाकी ये दो लाइन का भी नहीं है, अच्छे से देखे तो बिल्कुल आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट, मैं आपको कुछ मेथड्स करवा देता हूँ, उन मेथड से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ मेथड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड्स, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं मेथड बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक्स क्यूब कॉमन लेना है, ठीक है। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, वन प्लस थ्री एक्स आ गया, यहाँ पे बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वन प्लस टू अपॉन एक्स, ठीक है, कोई डाउट है, कॉमन लेना तो आता होगा आपको। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओनली वन बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू अपॉन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो उन फॉर्मूलों को याद कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पुट करना है, मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इसका आंसर होता है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो सबके लग जाती है इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टू अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबके लिमिट अलग अलग हो गई, यानी इसके अलग लिमिट लग गई एक्स के, और इसके अलग लिमिट लग गई। तो अब आपको इसमें क्या करना है,
कि जो लिमिट है वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट इनटू, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो क्या हो गया जीरो, और ये भी जीरो, तो यहाँ पे हो गया वन अपॉन वन यानी वन, तो ये वन हो गया, आंसर आ गया हमारा टोटली वन, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा तो है, ये कौन सा शॉर्ट तरीका हुआ? भाई ये शॉर्ट तरीका ये है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया ना, इसलिए अब जो अगले क्वेश्चन होंगे ना जो भी, वो मैं आपको इसी तरीके से करवाने वाला हूँ। देखो किस तरीके से, ओनली एक लाइन में सॉल्व करवाऊंगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे ऊपर आपको क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, बड़ी सी बड़ी घात वाला कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा वन प्लस थ्री अपॉन में क्या बचेगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा हमारे पास टू प्लस नाइन अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर हम लिमिट रखेंगे इन्फाइनाइट तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है, बचा हमारे पास क्या, वन अपॉन टू, तो आंसर आ गया हमारे पास वन अपॉन टू। बोलो, बोला था ना मैंने एक लाइन का आंसर है इसका ओनली, बस वो तो मैंने आपको डिटेल में बताया ना ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने इतना बड़ा करवाया है, बाकी है इतना सा ही, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, आप दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन गलती ना हो इसलिए आप थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मैंने एक मेथड आज बता दिया है, बाकी मेथड नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे मेथड है, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप वीडियो मिस ना कर सके, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।